दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। अपन आज शुरू करते हैं जो ट्रिपल सी की एडेड एंट्री है। हम कैटालॉगिंग पढ़ रहे हैं और कैटालॉगिंग अंदर में शुरू सबसे पहले क्या आते हैं, ट्रिपल सी, जिसके अंदर अपन ने मुख्य प्रविष्टि पढ़ ली थी और मुख्य प्रविष्टि कौन कौन से अनुच्छेद होते हैं वो पढ़ ली। इसके बाद अपन ने पढ़ा था तो ट्रिपल सी का जो फर्स्ट भाग है जिसको अपन ट्रेसिंग कहते हैं, इस ट्रेसिंग के अंदर जो CRE, CIE, BIE और CRI, ये अपन ने चार एंट्रियाँ लिखी थी। अब अपन आज इन्हीं चार एंट्रियों को कहा जाता है एडेड एंट्रिया, मतलब सहायक प्रविष्टियां। क्या कहा जाता है हिंदी के अंदर? सहायक प्रविष्टियां या इतर प्रविष्टियां भी इनको कहते हैं। आज अपन इनकी बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है और क्वेश्चन अपन को जब प्रैक्टिकल करना होता है, अपन को प्रैक्टिकल करना नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल करना हो तो मैं एक अलग से क्वेश्चन भी करा दूंगा। लेकिन इसके अंदर जो अनुच्छेद होते हैं, यानी इनके अनुच्छेद, अपन ने जान मुख्य प्रविष्टि के छह अनुच्छेद पढ़े, उस तरह इन एडेड एंट्रियों के भी अनुच्छेद होते हैं। हम इन अनुच्छेदों की बात करेंगे और ये अनुच्छेद कौन कौन से हैं इसकी बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले एंट्री कौन सी बनती है? CRE। जो CRE एंट्री बनती है, जो बाई तरफ बनती है, उसको अपन बोलते हैं CRE एंट्री। तो लिखो आप हेडिंग CRE एंट्री, CRE। इसका CRE, इसका फुल फॉर्म क्या है? क्रॉस रेफरेंस एंट्री, क्रॉस रेफरेंस एंट्री। हिंदी में इसको लिखना चाहो तो अंते विषयी प्रविष्टि, अंते विषयी प्रविष्टि। बहुत ही डीप के अंदर पढ़ेंगे क्योंकि ये नेट लेवल का अपन क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो ट्रिपल सी के अंदर जो एडेड एंट्री है उसकी सबसे पहले एंट्री इधर एडेड एंट्री होगी CRE, मतलब क्रॉस रेफरेंस एंट्री। इसके अनुच्छेद कितने होते हैं? तो इसके पांच भाग या पांच अनुच्छेद भी बोल सकते हैं अपन। कितने भाग होते हैं? पांच तरह से इसके अंदर भाग होते हैं। पहले जो मैं भाग लिखा देता हूँ, एक साइड अपन छोटा सा बॉक्स बना के मैं बता दे दूंगा कि कौन सी एंट्री कहाँ लिखी जाती है। तो सबसे पहला अनुच्छेद लिखो आप इसके लिख लेना पांच भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? इनके पांच भाग। सबसे पहला है अगर अनुच्छेद, जिसको अपन बोलते हैं लीडिंग सेक्शन। क्या बोलते हैं? अगर अनुच्छेद। इनको लिखना, मैं अभी बता भी दूंगा कि इसको कहाँ कहाँ लिखा, पहला कहाँ आता है, पहले तो पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है अनुच्छेद से। अपन को जहां से क्वेश्चन जाता है वहां पर ज्यादा फोकस करना है। यार इसको इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिखो आप लीडिंग सेक्शन। क्या लिखेंगे? लीडिंग सेक्शन। दूसरा लगाओ द्वितीय सेक्शन, द्वितीय सेक्शन, दूसरे का नाम ही यही है, द्वितीय सेक्शन। तीसरा लिख लो आप ग्रंथ का कॉल नंबर, द्वितीय सेक्शन होएगा, द्वितीय सेक्शन। इसको लीडिंग सेक्शन नाम लिख देना, ये द्वितीय सेक्शन हो गया। मैं लिख देता हूं लीडिंग सेक्शन, लीडिंग नाम लिख रहा हूं, अनुच्छेद द्वितीय अनुच्छेद या द्वितीय सेक्शन भी लिख सकते हैं अपन। तीसरा हो गया ग्रंथ का कोल नंबर। क्या होगा? ग्रंथ का कोल नंबर, कोल नंबर कह रहा हूं, ग्रंथ का कोल नंबर। चौथा अपन की इसका भाग है अपन के मेन एंट्री का हेडिंग, जो मेन एंट्री का हेडिंग है वो लिखना है। तो चौथा भाग है मेन एंट्री का हेडिंग। ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे अनुच्छेद, कोई ना कोई बताता है, क्योंकि इसका CRE एंट्री एडेड एंट्री का ज्यादा ज्ञान होता नहीं है या इनको ज्यादा प्रयोग होता नहीं, इसलिए कोई बताता नहीं है। लेकिन क्वेश्चन अभी आपको जब राजस्थान के अंदर लाइब्रेरी क्वेश्चन हुआ था तो एक यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि वो एंट्री पूछे CIE एंट्री का पूछा था, CIE एंट्री का अनुच्छेद। अपना अभी पहले पढ़ रहे हैं CRE एंट्री का अंत्य विषय प्रविष्टि। इसके चार मैंने अनुच्छेद लिख दिए, अगर अनुच्छेद, लीडिंग सेक्शन, द्वितीय अनुच्छेद जिसको द्वितीय का सेक्शन ही कहते हैं, ग्रंथ का कोल नंबर, और चौथा है मेन एंट्री का हेडिंग, मेन एंट्री का हेडिंग। तो पांचवे की बात करते हैं अपन। पांचवा क्या है? ग्रंथ का टाइटल वे पेज नंबर, ग्रंथ का टाइटल वे पेज नंबर। ये हुआ इसकी बात अपन लीड है CRE एंट्री के पांच अनुच्छेद की बात होगी। किसकी? पांच अनुच्छेद की बात होगी। तो अपने यहां पर एक छोटा सा बॉक्स बना रहा हूं मैं इस साइड, और आपको बता रहा हूं किस तरह से पांच अनुच्छेद होते हैं। बॉक्स वैसे ही सेम बनता है, 5x3 साइज का, कितना साइज का? 5x3, ऐसा बॉक्स बना लो आप ही, समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। किसके लिए? समझाने, ताकि आपको भी समझ में आ जाए, थोड़ी ये लाइनें इधर इधर हो जाए तो टेंशन मत लेना। सेम उसकी तरह ये कार्ड बना दिया, ये हो गया कार्ड, कार्ड
कार्ड की साइज 5x3 वाली है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने लिखा है था अग्र अनुच्छेद। अग्र अनुच्छेद कहाँ लिखा जाता है? एक नंबर यहाँ लिखा जाता है, एक नंबर अग्र अनुच्छेद मतलब लीडिंग सेक्शन। लीडिंग सेक्शन का आता क्या है इसके अंदर? क्लास नंबर, जो अपन ने जब क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर बता दूंगा। तो यहाँ पर आप अगर समझने के लिए लिख सकते हो अग्र अनुच्छेद लीडिंग सेक्शन के अंदर क्लास नंबर आते हैं। क्या नंबर आते हैं? क्लास नंबर। फिर आता है द्वितीयक सेक्शन, यहाँ लिखा जाता है द्वितीयक, इसके अंदर लिखा जाता है सी आल्सो। क्या लिखा जाता है? सी आल्सो, बस सबके अंदर यही लिखा जाएगा। सिंपल है, आप अगर इस पर ध्यान दोगे तो बहुत इजी है ये। पहला लीडिंग सेक्शन हो गया, दूसरा होगा सी आल्सो, सी आल्सो। तीसरा है ग्रंथ का कॉल नंबर, तो ग्रंथ का कॉल नंबर क्या आएगा? यहां लिखा जाएगा। और चौथा है अपने मेन एंट्री का हेडिंग, जो मेन एंट्री लिखी अपन ने उसके अंदर जो द्वितीय सेक्शन था हेडिंग, जिसके अंदर अपन ग्रंथ का नाम वो लिखते हैं, जिसके अंदर अपने लिखते हैं अपन क्या है, लेखक का नाम, लेखक की डीओबी और लेखक की डीओडी। तो उस ग्रंथ के नाम का सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिखना है अपन को। जैसे किसी ग्रंथ का नाम अपने पूछ लिया हेडिंग, तो अपने उसके अंदर लेखक का नाम लिखते हैं, तो लेखक का नाम अपन जैसे रंगनाथन लिख दिया, तो इसके अंदर सिर्फ क्या आएगा? रंगनाथन। समझ में आ गया? फिर मेन एंट्री का हेडिंग आ गया, और ये हो गया अपने चार, और लास्ट वाला ग्रंथ का टाइटल। और टाइटल कहाँ लिखा जाता है? ये पांचवा, ये पांचवा। इस तरह ये पांच सेक्शन मैंने आपको बता दिए। पहला सेक्शन, दूसरे सेक्शन फिक्स है सी आल्सो, तीसरा, चौथा और पांचवा। और पांचवा अनुच्छेद आप रट लो, इसके क्वेश्चन बहुत इजी इजी स्वरूप के अंदर अगर ये रट लिए तो ये तो बनाना बहुत सरल है। अगर इसको समझ लिया ना तो कुछ नहीं है। जैसे मैंने अग्र अनुच्छेद आपको बता दिया क्लास नंबर, तो आप जब भी मेन एंट्री देखोगे तो उसका क्लास नंबर है पहले इसके अंदर आ जाएगा। द्वितीय सेक्शन में बता दिया सी आल्सो हमेशा लिखा जाता है। फिर आता है ग्रंथ का कॉल नंबर, तो कॉल नंबर दिया होता है क्वेश्चन के अंदर, तीन नंबर पर आप वो लिख दो। फिर आता है मेन एंट्री का हेडिंग, जो मेन एंट्री का अपने हेडिंग लिखे हैं, लेखक का नाम लिखा वही चीज यहाँ लिख देंगे, और ग्रंथ का टाइटल ये भी क्वेश्चन के अंदर दिया। मतलब इस चीज के अंदर आप इसको एक बार याद कर लोगे तो ये एंट्री सरल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सरल। सीआर एंट्री की फुल डिटेल मैंने आपको बता दी, इसके अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, तो इसके बाद जाएगा। अगर आपने इसमें सीआर एंट्री कर ली, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे तो इसमें से कभी बाहर नहीं जाएगा। फिर बात करते हैं अपने किसकी, सीआई एंट्री, जो दाईं तरफ लिखी जाती है तीन एंट्रियां, उनकी बात करेंगे। और क्वेश्चन यहां से ही एक पूछा गया था पिछली बार, तो एंट्री लिखो सीआईई। इसको क्या नाम है? इसका नाम क्लास इंडेक्स एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री। और हिंदी में लिखो तो आप है वर्ग निर्देश प्रविष्टि। क्या है? वर्ग निर्देश प्रविष्टि। बहुत ही इजी है ये। और क्वेश्चन अभी राजस्थान लाइब्रेरी के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? पहले तो इसका अनुच्छेद लिखते हैं अपन, अनुच्छेद लिखने के बाद अनुच्छेद में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला अनुच्छेद इसका क्या है? सेम वही है अग्र अनुच्छेद, जिसको अपन कहते हैं लीडिंग सेक्शन। तो यहीं पर लिख दो सेम अगर अनुच्छेद। अगर आप इनको सब एक साथ देखोगे पढ़ोगे तो आधे तो अनुच्छेद एक दूसरे के अंदर ही है शामिल है। जैसे अगर अनुच्छेद पहले के अंदर ही था, दूसरे के अंदर ही पहला ही है। सेकंड है द्वितीयक अनुच्छेद, द्वितीयक अनुच्छेद, द्वितीयक सेक्शन या द्वितीयक अनुच्छेद कह सकते हैं, जिसको अपन सेकंड सेक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? ये हो गया सेम ये दोनों पहले वाले में। अब इसके अंदर एंट किसी कितने अनुच्छेद है भाग इसके, तो इसके तीन भाग, पहले के पांच, इसके तीन। तीसरा कौन सा है? निर्देश प्रविष्टि, निर्देशांक प्रविष्टि, निर्देशांक प्रविष्टि, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में लिख लेना इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर। ये हो गया अपने बहुत इजी सी एंट्री। और ये सी एंट्री का क्वेश्चन पूछा कौन सा सी एंट्री का भाग नहीं है। इनमें से चार ऑप्शन थे, दो ये दे दिए, दो एक ये, तीन ये दे दिए, एक दूसरा दे दिया, अपन को कौन सा भाग नहीं है? तो इसने निर्देश एंट्री का ऑप्शन वहां तक हुआ था, क्योंकि अपन ये निर्देशांक एंट्री ये भूल जाते हैं, इंडेक्स नंबर, निर्देशांक ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए अपन सी एंट्री के अंदर इसको भूल जाते हैं। अब ये सी एंट्री है ये किसके लिए काम आती है? श्रृंखला प्रक्रिया, किसके लिए? अपने क्लास नंबर से श्रृंखला प्रक्रिया अपन करते हैं ना, उस समय ये सी एंट्री का। तो श्रृंखला प्रक्रिया अच्छे से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसके अंदर देख सकते हो कि श्रृंखला प्रक्रिया कैसे ज्ञात किए जाते हैं, आपको मिल जाएगा श्रृंखला प्रक्रिया सब। अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, सीरीज वाइज पढ़ना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाके आप जो भी यानी लगाया यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ,
फिर आपको अगर कैटालॉगिंग पढ़नी है तो कैटालॉगिंग मिल रहा है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है तो क्लासिफिकेशन का रिप्लाई, आपको डीप के अंदर कोई क्वेश्चन सोल्व करना तो लिखा हुआ है बिली पेपर 3 और बिली पेपर 4, 3 के अंदर क्या है क्लासिफिकेशन और 4 के अंदर कैटालॉगिंग, इस तरह आराम से क्वेश्चन समझाए हुए हैं। फिर बात करते हैं इसकी एंट्री की, तो ये चलो अपन यहाँ पर एक मान देते हैं 5x3 साइज का, ये हो गया 5x3 साइज का, छोटा है लेकिन अपने काम चल जाएगा, अपन को समझाने के लिए बहुत इजी है क्योंकि इससे समझ में जल्दी आता है। तो सबसे पहले एक नंबर क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा लीडिंग सेक्शन, अग्र अनुच्छेद कहते हैं इसको। फिर आता है द्वितीयक सेक्शन, यहाँ द्वितीयक सेक्शन आता है और द्वितीयक सेक्शन के अंदर ये लिखा जाता है, आपको कहीं देखा होगा फोर ए डॉक्यूमेंट इज द क्लास इन द सब्स्टिट्यूशन सी इज द क्लासिफिकेशन पार्ट ऑफ कैटालॉगिंग अंडर द क्लास नंबर, ठीक सटी रटी लाइन है ये लिखनी है। और इसके अंदर अगर पूछ ले कैपिटल लेटर मतलब कितने होते हैं निर्देशांक तत्व बोलते हैं, ये निर्देशांक तत्व निर्देशांक एंट्री थे, ये निर्देशांक तत्व कितने होते हैं तो 7 होते हैं, ये चीज अपन ध्यान। और लास्ट के अंदर जब ये पूर्ण होती है ये फोर ए डॉक्यूमेंट लास्ट के अंदर निर्देशांक इंडेक्स नंबर लिख जाते हैं, यहां पर इंडेक्स नंबर यहां पर लास्ट के अंदर जो ये पूरी लाइन हो जाती है, जैसे मैंने ये किया यहां से फोर ए डॉक्यूमेंट क्लास इन यहां पर खत्म हो गया, फिर डॉट 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 करके 3 नंबर पॉइंट इंडेक्स नंबर लिख दो बस। और इसके अंदर पूछ ले तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है निर्देशांक तत्व कितने होते हैं, मतलब ये फोर ए डॉक्यूमेंट इसके अंदर जो पहला वर्ड कैपिटल कितने अक्षरों कितने वर्ड का होता है तो 7 का, इसी को कहा जाता है 7 निर्देशांक तत्व, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना, अगर कहीं पूछ ले निर्देशांक निर्देशात्मक तत्व तो कितने हैं 7, किसके अंदर है फोर है डॉक्यूमेंट, यानी पहले फोर, फोर का पहला अक्षर कैपिटल, फिर डॉक्यूमेंट इन द क्लास, क्लास का पहला अक्षर कैपिटल एंड इट्स सब्स्टिट्यूशन तो एस का कैपिटल, सी इज द क्लासिफाइड पार्ट पी हो गया ऑफ कैटालॉगिंग तो सी हो गया, अंडर द क्लास, क्लास का सी हो गया और नंबर, नंबर का एन हो गया, इस तरह ये 7 निर्देशांक निर्देशात्मक तत्व होते हैं। क्वेश्चन कभी भी आ सकता है इसका, बहुत ही अच्छा सवाल है, निर्देशांक तत्व कितने होते हैं तो 7 निर्देशांक तत्व होते हैं। अच्छे से समझ में आ गया, मजा आया नहीं आया, क्योंकि पर डीप करेंगे रहेंगे तभी ये अपने क्वेश्चन सोल्व होंगे, ऊपर से बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। ये होगी अपने सी आई एंट्री, सी आई एंट्री जिसको अपन बोलते हैं क्लास नंबर क्लास इंडेक्स एंट्री। फिर बात आती है अपने बी आई एंट्री की, किसकी बात बी आई एंट्री, बी आई ई, इसकी फुल फॉर्म होती है बुक इंडेक्स नंबर और हिंदी में चलो लिखना चाहो तो ग्रंथ निर्देश प्रविष्टि, तो ग्रंथ निर्देश सेम ही है देख लो, प्रविष्टि एंट्री का प्रविष्टि, इंग्लिश में हिंदी में दोनों के अंदर समझा रहा हूं ताकि समझ में भी आ जाए, आपका टेंशन नहीं है। फिर बात करते हैं इसकी 4, इसके कितने भाग होते हैं, पहले का 5, सी एंट्री के 3 और इसके भाग कितने होते हैं 4 भाग होते हैं, 4 भाग कौन कौन सा यही इंपॉर्टेंट है। तो पहला भाग लिखो आप अग्र अनुच्छेद, सेमी है वही अग्र अनुच्छेद, दूसरा वही द्वितीयक सेकंड सेक्शन, देखो आप याद करोगे तो आधे तो सेम ही मिलेंगे द्वितीयक सेक्शन, थर्ड इसके अंदर वही निर्देशांक वाला इंडेक्स नंबर जिसको अंदर यहां पर वहां पर तो एक सिर्फ क्या लिखा था इंडेक्स नंबर लिखा जाता है और यहां पर इंडेक्स नंबर के अंदर क्या लिखा जाता है कॉल नंबर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है कॉल नंबर, तो यहां पर लिखो आप निर्देशांक, निर्देशांक अनुच्छेद और इंग्लिश में लिखें इसको इंडेक्स, इंडेक्स नंबर और इसके अंदर आप छोटा सा कॉलम लगा के यहां लिख लो, इसके अंदर लिखा क्या जाता है कॉल नंबर लिखा जाता है। अगर ऐसे ऐसे छोटे छोटे वर्ड लिखोगे तो समझ में भी आपको आराम से आएगा। और लास्ट अपना चौथा है, इसके 4 भाग बताए मैंने, अग्र अनुच्छेद हो गया, द्वितीय अनुच्छेद और निर्देशांक सेक्शन हो गया और चौथा है टिप्पणी अनुच्छेद जिसको अपन बोलते हैं नोट सेक्शन, क्या बोलते हैं नोट सेक्शन, तो ये लिखो टिप्पणी अनुच्छेद या इसको इंग्लिश में लिखनी चाहो तो नोट सेक्शन, बहुत इजी हुआ, ये हुआ अपने इसके 4 भाग, कितने भाग 4 भाग, बहुत इजी है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जैसे इसके अंदर ये बुक इंडेक्स एंट्री है तो इसके अंदर क्या लिखा जाएगा तो बुक का सहायक है उसका
नाम लिखा जाएगा, फिर द्वितीय सेक्शन के अंदर रंगानाथन जी का अगर है तो रंगानाथन लिख लेंगे, या अदर लेखक है तो अदर लेखक लिखे, पर इसके अंदर फिर लिखा जाता है निर्देशांक यानी इंडेक्स नंबर यानी कॉल नंबर है तो वो लिख देते हैं, और लास्ट के अंदर टिप्पणी अनुच्छेद इसको अपन नोट सेक्शन। और अगर ये आपको बात बताऊं तो ये एसीआर सेकंड की जो मेन एंट्री है उस तरह ये बनता है। तो क्वेश्चन आ जाए एसीआर की एसीआर द्वितीय के अनुसार सीसी की कौन सी एडिट एंट्री है, तो बीआई एंट्री। कौन सी एंट्री? बीआई है, मतलब बुक इंडेक्स एंट्री। बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन में पूरे जो कहां से क्वेश्चन बनते हैं ये भी मैं बता दूंगा आपको, कौन कौन से कहां से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगर इसके अंदर कोलैबोरेटर की कभी क्वेश्चन बीआई एंट्री, आपको पता है सहायक प्रविष्टियां भी बनती है इसके अंदर बीआई की, तो यहां पर एक कोलैबोरेटर की एंट्री बनती है उसके अंदर अगर पूछ ले तो अग्र अनुच्छेद द्वितीय और निर्देशांक तत्व मतलब बुक नंबर, बस ये कोलैबोरेटर की तीन ही है। कौन कौन सी अगर आप लिखना चाहो तो इसकी सहायक प्रविष्टि में कोलैबोरेटर अग्र अनुच्छेद, दूसरा है द्वितीय अनुच्छेद, तीसरा है निर्देशांक मतलब बुक नंबर, इस तरह ये एंट्रियां होती है। और लास्ट एंट्री अपने आएगी सी आर आई ई जिसको अपन बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। तो फिर बात करते हैं अपने एंट्री कौन सी, लास्ट एंट्री अपने सी आर आई इसकी फुल फॉर्म लिख लेना आप है, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। फिर इसके अनुच्छेद, तो इसके कितने भाग है, इसके तीन भाग होते हैं, तीन भाग कौन कौन से लिख लो आप। पहला है वही अग्र अनुच्छेद जिसको अपन बोलते हैं लीडिंग सेक्शन, क्या बोलते हैं लीडिंग सेक्शन। दूसरा है अपने अग्र अनुच्छेद के बाद दूसरा अपने द्वितीय अनुच्छेद, सेम ही है वही। अनुच्छेद फिर थर्ड है क्या है, निर्देशित शीर्षक। अब कि इसके अंदर क्या है, निर्देशित शीर्षक, बस ये चीज ध्यान रखनी है, निर्देशित शीर्षक मतलब रेफर टू हेडिंग इसको इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, निर्देशित शीर्षक रेफर टू हेडिंग। फिर ये बात हुई इसके अंदर एक बात बताऊं, इस एंट्री के अंदर कभी कॉल नंबर नहीं आता, क्या नहीं आता, कॉल नंबर कभी भी नहीं आता, ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखना आप लोगों, इस एंट्री के अंदर कॉल नंबर कभी नहीं आता सीआई एंट्री। तो इसके अंदर आप इसको या बना के बताऊं आपको, तो ये एंट्री ऐसे होती है, फिर ये बात होगी और ये हो गया, यहां पर लिखा जाता है पहला अनुच्छेद यहां से यहां तक, फिर आता है द्वितीय अनुच्छेद जिसके अंदर सिर्फ लिखा जाता है सी, और तीसरा है यहां इसका लिखा जाता है तीसरा। इसको एक चीज यहां पर कभी एक बार क्वेश्चन आया गया है यहां पर इसके अंदर केवीएस के अंदर कि इसको इस सीआरई एंट्री को कहा जाता है, इसको एंट्री ऑफ सेकंड कहा जाता है, किसका, इसको सीआरआई एंट्री, इसको एंट्री ऑफ सेकंड एंट्री जो ऑफ, ये थोड़ा ध्यान रखना है, इसको मैं लिखा देता हूं, एंट्री ऑफ सेकंड कहा जाता है, सेकंड कहा जाता। मैंने सब कुछ पेपर पढ़े उसके अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूं ताकि मजा आ जाएगा करने के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थी अपनी सीआर एंट्री, मतलब जो चार एंट्रियां थी ट्रिपल सी की एडेड एंट्रियां बोलते हैं, ये तीनों अपने इसके अनुच्छेद पढ़ लिए और साथ के अंदर मैंने आपको बॉक्स बना के ही बता दिया। एक कंपटीशन एग्जाम में यहां पर पूछा जाता है, इसके अनुच्छेद पूछ सकते हैं, कौन कौन से भाग है, निर्देशित तत्व है, इसको सेकंड ऑफ एंट्री किसको जाता है, श्रृंखला प्रक्रिया क्या है, ये चीजें पूछ जाती। अगर इसके अंदर अपन बिलीव कार्ड पे करेंगे तो इसके अंदर अपन को सोल्व करने पड़ेगा क्या क्वेश्चन, और क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसके अंदर पूरा लिखा जाता है, पूरा लिखा जाता है। कभी बिलीव का और अपन लेंगे क्लास तो उस समय आपको मैं इस पर आधारित एक ऐसे तो बताया हुआ है ये सेकंड एंट्री वाले, आप बिलीव पेपर फोर के अंदर इसके अंदर अपन देख सकते हो, आप वहां पर बताया गया पूरा क्वेश्चन से सही, क्वेश्चन सहित बताया गया। तो ये थी अपनी सीआरआई एंट्री और एंट्रीज के जो एडेड एंट्री है उसके चार भाग, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना कौन कौन सी एंट्रियां हैं
और इसके अपने सीआरई ये ट्रिपल सी अच्छे अच्छे वीडियो मैंने इसको कंप्लीट कर दिए ट्रिपल सी के अच्छे से पूरा कर दिया मैंने इसको ट्रिपल सी। अब अपन पढ़ेंगे एसीआर टू के, एसीआर टू के कौन कौन सी एंट्री और उसके कौन कौन सी एडेड एंट्री होती है, उसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उसको भी अपन बात करेंगे। तो आज की क्लास अपन यहीं तक है, कल अपन और मिलेंगे। आप इस क्लास कैसी लगी, कोई आपका क्वेश्चन डाउट हो तो आप सीधा कमेंट्स करिए, आपको आंसर जरूर मिल जाएगा। तो ये थी अपनी आज की क्लास, चैनल को आप सनरी को प्लीज सब्सक्राइब करना ना बोले, क्योंकि ये आपके लिए है, पूरा पूरा सब कुछ यहाँ पर आपको सनरी के अंदर एकदम फ्री अवेलेबल होगा, कोई कोर्स नहीं है यहाँ पर पूरा। अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है टॉपिक वाइज तो आप, मैं बता पहले ही बता दिया, प्ले लिस्ट में जाओ आप वहां से पूरा देख सकते हो। तो ये थी क्लास अपनी, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, तब तक ले आप सभी को जय श्री कृष्णा।